आज जो हमारे गेस्ट हैं वो दोनों को फाउंडर्स हैं एक यूनिकॉर्न कंपनी के प्लीज गेव एन एनर्जेटिक एंड एन वॉर्म वेलकम टू अमित अग्रवाल एंड अखिल गुप्ता सिटिया में जाने की क्या जरूरत है ये थोड़ा ज्यादा हो गया इससे पहले कि ऑडियंस आपसे क्वेश्चंस पूछे इंटरेक्ट करे या मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछूं आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप दोनों मेरा नाम है अखिल गुप्ता अमित अग्रवाल तो हम को फाउंडर हैं नो ब्रोकर डॉट कॉम के वो इंडिया का फर्स्ट प्रॉपटेक रियल स्टेट यूनिकॉर्न है तो हम तीन लोग हैं मैं अमित और सौरभ मेरा बैकग्राउंड मैं कोटा से हूँ राजस्थान में एक आ, टाउन अब तो सब लोग जानते हैं एजुकेशन सिटी के नाम पर और उसके बाद आई बॉम्बे गया पढ़ने के लिए फिर जैसे सब लोगों की नौकरी लगती है नौकरी लगी बेंगलोर चले गए उस समय स्टार्टअप्स बनने लगे थे तो एक छोटा स्टार्टअप था यूएस का वो इंडिया में था तो उसमें दो साल काम किया वो स्टार्टअप बंद हो गया और उन्होंने बोला आप भी यूएस आ जाओ बंद हो गया मतलब वो इंडिया ऑपरेशन बंद कर रहे थे और यू मुझे कभी जाना नहीं था मुझे इंडिया के बाहर कुछ समझ में नहीं आता इंडिया ही अच्छा लगता है उसी समय ये आइडिया आया सौरभ ने एक दिन आइडिया डिस्कस किया फिर हमने नो ब्रोकर की जर्नी स्टार्ट कर दी तो यही है लाइफ की जर्नी छोटी सी आ, सिटी से चालू होके बॉम्बे जाके फिर बैंगलोर चले गए और फिर नोकर फाउंड किया मैं अमित अग्रवाल हूँ और आई वॉज़ बॉर्न इन यूपी छोटे से शहर में गोंडा में जिन लोगों ने सुना और आई एम अ फर्स्ट जनरेशन ऑन्ट्रप्रेनर तो कोई किसी का भी बिज़नेस नहीं है फैमिली में तो कोई और पहला एक्सपीरियंस नहीं है और हर जैसे एक फैमिली करती है कि वो फोकस करती है कि एजुकेशन अच्छी हो तो एजुकेशन पे फोकस किया फिर मेरा आई कानपुर में सिलेक्शन हो गया उसके बाद एक एन बैंक करके ऑस्टलैंड न्यूजीलैंड बैंक है जो कि विदेशी बैंक है उसमें जॉब कर ली फिर लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई ये लाइफ <laughs> इसके बाद तो कोई फिर ऐसा ऐसा महसूस होने लगा कि अगर अब रिस्क नहीं लिया तो फिर कभी रिस्क ले ही नहीं पाएंगे तो फिर जॉब छोड़कर फिर अखिल और हम तीनों ने बेसिकली नो ब्रोकर स्टार्ट किया अब तक तो तो टोटल आप कितनी ट्रांजेक्शन कर चुके हैं इन द सेंस के मतलब कितने लोगों को आप एक्चुअल में सक्सेसफुली घर दिलवा चुके हैं रेंट पे या परचेज पे महीने की सत्तर पचहत्तर हज़ार प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे क्लोज होती है जो मतलब हमारे यहाँ पे देखें तो साल की आप मान लो तकरीबन दस लाख लोगों को प्रॉपर्टी मिल रही है जिसमें हम लोग जो ब्रोकरेज बचा रहे हैं वो तकरीबन सात सौ आठ सौ मिलियन मतलब आप मान लो छः सात हज़ार करोड़ रुपये का ब्रोकरेज हम आज तक बचा चुके हैं अगर आज आपको कोई बिजनेस करना हो आज जो बिजनेस का ओवरऑल लैंडस्केप है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई इस पॉइंट पे आप क्या बिजनेस करेंगे मतलब व्हाट इज द बिजनेस दैट इज कमिंग टू योर माइंड या किस फील्ड में आप जाएंगे किस सेक्टर में जाएंगे एक्टली exactly क्या करेंगे अगर आपको अभी जीरो से शुरू करना हो वापस से उससे पहले ना हमको ये बताना चाहते हैं कि रियल स्टेट नो ब्रोकर जनरली रियल इस्टेट के नाम से जाना जाता है पर हमने और बहुत सारे बिजनेस कर लिए अपने अपनी ही कंपनी में तो आज हम लोग इंडिया के नंबर वन पैकर मूवर हैं उसी तरह हम इंडिया में नंबर वन पेंटिंग एग्रीगेटर हैं और हम ए सी सर्विसिंग में हैं हम क्लीनिंग में हैं हम फर्नीचर रेंटल में हैं हम होम इंटीरियर्स के अंदर हैं लोन्स है लोन मतलब राइट फ्रॉम इंटीरियर टू मेंटेनेंस आप सारा कुछ सोसाइटी मैनेज करते हैं सोसाइटी को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर है जिससे आप पूरी सोसाइटी का फाइनेंसेस गेट मैनेजमेंट सब कुछ तो हम लोग वन स्टॉप शॉप है रियल स्टेट क्या अमेजोन ऑफ रियल स्टेट है अगर आपको एनोलॉजी देनी हो जैसे अमेजोन पे सब कुछ मिलता है तो रियल स्टेट का कुछ भी चीज चाहिए वो नो ब्रोकर के ऊपर होता है आज की डेट तो ये तो हो गया आपके स्टैंड पॉइंट से अब अगर लोगों के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए जो लोग यहाँ बैठे हैं वीडियो में देख रहे हैं उनका चैलेंज ये है कि एज है मान लो बीस पच्चीस साल उनके स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखो तो क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है जो आपको नजर आती है जो कम पैसे में आज की रेट में शुरू करी जा सकती है तो मेरे ख्याल से ना इसको बजाय इस बात में देखने की हमारे पास चैट जीपीटी पी टी है ए आई है तो हम क्या करें उसकी जगह में से उल्टा देखना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है आप सुबह उठे से लेकर रात तक सोने तक आपको क्या इश्यूज आए तो जैसे हम लोगों को इशू आया कि हमें समझ में नहीं आता आया कि हम इस ब्रोकर को इतने पैसे क्यों दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं हम इसे पचास हज़ार रुपये या पच्चीस हज़ार रुपये रेंटल के जबकि ये तो फ़ोन नंबर था अपनी मेरी खुद की सोसाइटी के अंदर ही मुझे पैसे देने पड़ गए दूसरा फ्लैट चेंज करने के लिए तो प्रॉब्लम जो है ना उसको पहले सोचिए कि प्रॉब्लम क्या है जो आपको परेशान कर रही है आपके दोस्तों को परेशान कर रही है इंडिया में बथेरी प्रॉब्लम है मतलब इंडिया जैसी प्रॉब्लम और इंडिया जितना बड़ा मार्केट दुनिया में कहीं पर भी नहीं है तो अगर आप इंडिया के लिए कुछ भी सॉल्व करो जैसे ब्रोकरेज वाली जो प्रॉब्लम है नो ब्रोकर वाली दुनिया में कहीं पर भी नहीं है यूएस यू के आप चले जाओ वहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी है ब्रोकर के थ्रू एजेंट्स बोला जाता है उन्हीं के थ्रू काम करना होता है तो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको दिखती है जो आपको घर में दिख रही हो आपके आजू बाजू दिख रही हो

कब हमें ये पता चल जाएगा कि अब हमें ये बिज़नेस बंद करना पड़ेगा या तो बहुत लॉस हो जाए या फिर हमें मतलब अंदर से फील आ जाए कि हाँ अब या ये तो बंद करना पड़ेगा या तो कुछ और शिफ्ट करना पड़ेगा हमारे लिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही रहा कि कस्टमर कब बोलेगा कि हमें नहीं चाहिए सॉल्यूशन क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हमारा मेरा आइडिया बहुत अच्छा है पर जब कस्टमर से बात करो तो कस्टमर बोल रहा है कि नहीं ये तो नहीं है इतना अच्छा या मुझे इस पैसे पर तो मैं सोल्यूशन नहीं लूँगा तो फाइनली डिसीजन मेकर ना तो आपके फ्रेंड्स हैं ना इन्वेस्टर हैं क्योंकि उन किसी को कुछ नहीं पता हमारे सारे फ्रेंड्स ने ये बोला कि रियल एस्टेट में अब हम सब पैसा ऑनलाइन लेते हैं और प्री पेमेंट लेते हैं तो लोगों ने बोला कि पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं होता प्री पेमेंट रियल एस्टेट में तुम कैसे ले लोगे जो चीज़ आज तक दुनिया में नहीं हुई तुम कैसे कर लोगे लेकिन जब कस्टमर से पूछा तो हमें लगा कि अब कस्टमर को तो भरोसा होगा हमारे प्लेटफॉर्म पर तो दे सकता है तो फाइनल डिसीजन मेकर कस्टमर है आपको एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ जाए कि आपका पैसे खत्म हो जाए या घर में प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है फिर तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा आपको पर अदरवाइज फाइनल डिसीजन मेकर कस्टमर है आपके बिजनेस में ऐसा कब हुआ कि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला क्या वो जल्दी मिल गया था या लेट मिला कब आपको लगा कि हाँ अब जो कस्टमर है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कितना टाइम लगा था उसमें तो लॉन्च करने के बाद हमने मार्च एक दो को लॉन्च किया था और दो तीन महीने में हमें दिखने लग गया था कि रो पचास साठ लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टी पोस्ट कर रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं इंट्रैक्शन कर रहे हैं और जैसे अमित बोला हम उनसे बात कर रहे हैं बोले सर आपसे अभी तो फ्री है हम फ्यूचर में पैसा लेंगे तो आप दोगे बोला हाँ हाँ मैं पच्चीस हज़ार रुपये देता हूँ अगर आप मुझसे पाँच सौ हज़ार रुपये लोगे मैं बिल्कुल दे दूँगा उसको हम बोलते थे पहले मांगेंगे तो बोला बिल्कुल दे देंगे तो वहाँ से हमें ना थोड़े थोड़े शूट्स दिखने लग गए थे कि ये चल रहा है बट हमारे साथ ये था कि जब तक इसमें पैसा नहीं इन्फ्यूज़ करेंगे इसको बड़ा नहीं कर पाएंगे और जब उसके लिए जब हम वी के पास जाते थे तो वी बोलते थे तो बहुत बढ़िया क्या अमेजिंग आइडिया है इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बहुत ही अच्छा है तो और फिर बोलते तो अच्छा पैसा दे दो तो। अरे बट ये यूएस में तो हुआ ही नहीं <laughs> हाँ, <laughs> तो हाँ, इंडिया में उस समय कंसेप्ट था उबर ऑफ इंडिया अमेजन ऑफ इंडिया ये वाली चीज़ तो उसमें हमें लगे कुछ दस बारह महीने तक हम लोगों ने हमारी सेविंग्स जो भी थी हमारी सेविंग्स सब जला दी इसी बीच में मेरी बेटी हुई अमित के बेटा हुआ तो बट वो जुनून में लगे हुए थे कस्टमर्स से प्यार कस्टमर्स जो कस्टमर्स का जो प्यार मिल रहा था और वो जो बोल रहे थे कि आपने मेरे पचास हज़ार रुपये बचा दिए अब मैं इससे फ्रिज खरीद लूँगा या मैं इससे टीवी खरीद लूंगा या मेरी बेटी की शादी में काम आ जाएगा ये सब जो जर्नी थी ये सब जो चीजें थी ना ये बड़ा पंप अप कर दी थी बट पैसा हाँ। नहीं मिल रहा था आपको पैसा नहीं मिल रहा पैसा कोई नहीं दे रहा था बिकॉज चाहे वीसी कितना ही बोले कि वो रिस्क लेना चाहते हैं चाहते हैं कि वो यूएस या चाइना में किसने किया हो ताकि वो कम्फर्ट मिल जाए वो कम्फर्ट तो था नहीं क्योंकि वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया ये काम दस ग्यारह महीने तक आपको कोई पैसा नहीं आ रहा था आप अपनी जेब से पैसा लगा रहे थे तो दस महीने बाद क्या आपको फंडिंग मिल गई थी फिर बारह महीने बाद हाँ

जब हम एक दो बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि वीसी ने बोल दिया कि कल टर्म हम लोग बोलते हैं कि हमारा है खतरनाक बुधवार मतलब हमें ये होता था कि वी बोलते थे कि वेडनेसडे को आपको बता देंगे और तीन या चार हफ्ते ऐसे हुए जब हमें ऐसा लगता था कि कल तो हमारे पास टर्म शीट आ जाएगी कि पैसे का प्रॉमिस आ जाएगा और वो वी मना कर देता था ऐसा ही एक बार हुआ हमारे पास तीन वी थे जो बोले थे कि हमें ये था मन में पक्का था हमने पार्टी भी कर ली थी कि इन तीनों में से आना है हम हम चूज़ करेंगे किससे पैसा लेंगे और अपनी टर्म्स पे लेंगे अपनी टर्म्स पे, तो पे लेंगे, <laughs> <थाउस> पे लेंगे। <laughs> बट उसी समय हाउसिंग डॉट कॉम ने 90 मिलियन डॉलर रेस किया सॉफ्ट बैंक से हाँ। और वो तीनों इसी गायब हो गए तो और उसकी हाइप भी बहुत ज्यादा थी उसकी हाइप हाँ। भी बहुत ज्यादा हाँ। तो कर तो बनाया कि जब तक पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आ हाँ। सक्सेस हम नहीं मनाएंगे। तब तो तक पार्टी में पैसे नहीं हम अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे ना बीबी को बताएंगे ना बच्चों को बताएंगे ऐसा कुछ होने वाला है वो जो शुरुआत का टाइम था जो बेठिल डिस्कस कर रहा था मेरे ख्याल से हम लोग बीस इन्वेस्टर से मिले होंगे सभी ना बोल देते थे पहले स्टेज पे बाद के स्टेज पे और वो बहुत ही मुश्किल स्टेज है और जितनी हमारी हवा थी कि हम आई टी आई एम के वो सारी हवा निकल गई <laughs> उसे एक साल के अंदर क्योंकि कोई मैटर नहीं करता फाइनली उसको राइट और कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या डिग्री है पर या तो पसंद आया आपका प्रोडक्ट या नहीं आया हेलो सर आ, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज एक फैशन सा चल पड़ा है मतलब सब अपनी जॉब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं एंटरप्रेनर बनना है सबको तो कैसे कंट्रोल में आएगा ये सब अगर सभी जॉब छोड़ के चले जाएंगे मतलब फेल भी होंगे लोग इसमें जरूरी नहीं है कि सब अपना कंपनी बड़ी बना लेंगे फेल भी होंगे तो इससे कैसे रिकवर करेगा इंडिया बाद? आप क्या करते हो आप जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो मैं सर जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ <laughs> <laughs> तो एक तो आप जो है हम लोगों को देख के ना ये मत सोचिए कि बिजनेस ही कर लेना चाहिए तो ये हमारे जैसे लोग आके ऐसा ऐसा शोकियस कर सकते हैं जैसे कि बिज़नेस करना आसान है या सभी लोग सक्सेसफुल हैं पर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि जब बेसिकली आ, मैंने रिज़ाइन किया अपने ऑफिस से तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आए सारे दोस्तों के वाह तुमने कितना बढ़िया काम किया है और कितना तुम करेज सोश शाबाश काश हम लोगों में भी इतनी करेज होता फिर बंद हो गए फ़ोन कॉल <laughs> <laughs> उसके बाद वो अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए और मैं बैठा हुआ हूँ घर में ऑफिस ऑफिस नहीं गर, नहीं तो है ही घर में बैठे हुए हैं पालती मार के बिस्तर पे और कंप्यूटर खुला हुआ है और, पांच कस्टमर हैं जो पे दिख रहे हैं। और दिमाग में और आपको एकदम अनसर्टेन भविष्य कुछ पता ही नहीं आए क्या होने वाला है क्या कैसे रहेगा तो आप स्टार्टअप मत करिए क्योंकि आपने शार्क टैंक का एपिसोड देख लिया है या आपकी अपने बॉस से सुबह झगड़ा हो गया तो ये ना इनफ रीजन नहीं है आपको एकदम पैशन होना चाहिए किसी प्रॉब्लम को लेके कि ये प्रॉब्लम चेज करनी है और फाइनेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ बात नहीं होती है कि आप पहले एक एक साल दो साल के फाइनेंस का इंजाम करिए कि आप जॉब नहीं करेंगे तो उतनी बचत है क्या कि दो साल का रेंट और खाना पीना चलेगा प्लस बिजनेस का ही पैसा खर्च होता है आप मार्केटिंग में खर्च करोगे वेबसाइट बनाओगे जो भी बनाओगे टीम आप, बनाओगे टीम बनाओगे तो पहले वो हिसाब भी जोड़ लीजिए फिर कूदिए इसके अंदर सही बात है मतलब अगर फेल होने का गुदा है 99.9 परसेंट चांस है आप जो करोगे उसमें फ़ेल हो जाओगे अगर आप वो सोच के कि हाँ मैं फ़ेल हो जाऊंगा मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा मैं कुछ और कर लूंगा तो बिल्कुल करो बट ये सोच के कि यार मेरा दोस्त किसी कंपनी का कोफाउंडर और सीईओ टाइटल लिखता है या फिर उसने एक कंपनी बना दी है तो मैं भी बना लूँ तो वो तो बिल्कुल भी सही रीज़न नहीं है और इंडिया में करना चाहिए बहुत अच्छी बात है बट आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो मैं क्या करूंगा ये नहीं हो होगी आइडिया फेल हो गया आप डिप्रेशन में आ गए वो नहीं कुछ और करेंगे या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है यानी इतना भी बड़ा रिस्क नहीं लेना कि आप सड़क पर ही आ जाओ जैसे इन द वर्स के सिनेरियो अगर इनका काम नहीं भी चलता तो इनके पास में डिग्रीज थी बल्कि है ये कहीं पर भी कुछ भी कर सकते थे मतलब जो पहले पैकेज था उससे थोड़ा कम मिल जाता थोड़ा ज्यादा मिल जाता लेकिन मिल जाता तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी देर वॉज अ प्रॉपर बैकअप प्लान बट आप ये कहो कि मैंने तो पैसा लोन पे ले लिया है और फिर अब मैं बिजनेस कर रहा हूं घर भी गिरवी है उसके अलावा मेरे पास में कोई बैकअप प्लान भी नहीं है जॉब भी चली गई है दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी फिर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको यह समझना होगा नाइन्टी से ज्यादा चांसेस हैं वो भी तब अगर आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा सही डायरेक्शन में जा रही है तब नाइन्टी से ज्यादा चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे अगर थिंकिंग सही डायरेक्शन में है तो अगर थिंकिंग सही डायरेक्शन में नहीं है तो 99% चांस है कि आप फेल हो जैसे इन्होंने कहा सर आज मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ दस साल नौकरी करते हुए हो गए बट अब सोच रहा हूँ कि कुछ स्किल्स अपना इम्प्रूव करना है कुछ डिजिटल मार्केटिंग सीखना है सब कुछ सीखना है तो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं लेकिन वहाँ पे कोई ऑथेंटिक चीज़ मिलती नहीं है दस हज़ार रुपये ऐसे ही चले गए सर अभी सीख कुछ भी नहीं पाया हमें तो इस प्रॉब्लम से कैसे हमें टैकल करना है कि हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से हमें सही में नॉलेज मिले दो तीन चीज़ें करनी चाहिए चीज़े, आपको एक किसी को भी एक तो आ, जब अपन बाज़ार में भी जाते हैं कोई दुकान देखते हैं तो हम क्या देखते हैं वो दुकान पे जाते हैं जिसका किसी ने बताया हो रेफरेंस से पता लगा हो या आपको पता हो बहुत नामी दुकान है पुरानी दुकान है तो रेटिंग और रिव्यूज़ होता है ऑनलाइन सिस्टम के अंदर तो आपको एक तो रेटिंग और रिव्यूज़ देखना चाहिए कि भाई हाँ मतलब तो ये ऑथेंटिक है क्योंकि ऑनलाइन में इजी है कोई भी एडवर्टीजमेंट करके ऊपर आ सकता है तो एक तो एड वैड दिखाओ तो वो आप थोड़ा ध्यान दो उसके ऊपर के एडवर्टीज़मेंट तो नहीं कर रहा है तो रेटिंग और रिव्यू और रेफरेंस किसी और ने यूज़ किया हो और दूसरी चीज़ टू गुड टू बी ट्रू नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसा हो गया यार जो चीज़ बाजार में तीन लाख रुपए की मिलती है और वो उससे दस गुना बीस गुना पचास गुना सस्ती मिल रही है पक्का फ्रॉड है तो ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है मतलब वी शुड नॉट गेट ब्लाइंडेड बाय कि जो भी हमें दिख रहा है वो सच है बहुत सारी चीज़ें झूठ हैं और इंटरनेट के सिस्टम में इंटरनेट में जहाँ पर बहुत ईजी है रीच करना ये बहुत प्रीडोमिनेंट हो गया जहाँ पे लोग बेवकूफ़ बनाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा अपनी अक्ल लगाओ और फिर उस तरीके से काम करो वही चलेगा इसमें एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला वो क्या है कि आप क्या करते हो कि जैसे अभी जॉब कर रहे हो दस साल से तो आपने इमीडिएटली जा कर के सर्च किया कि बिज़नेस आइडियाज़ क्या क्या होते हैं वहाँ पर सबसे ऊपर आया डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि ये सबसे आसान लगता है तो हर कोई इसी की तरफ चला जाता है एक बार को मान लो ये ऑप्शन है ही नहीं अब इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं वो आपके माइंड में आ रहे हैं नहीं आ रहे मान लो नहीं आ रहे तो पहले अपने माइंड को एक्सपैंड करो नई नॉलेज गैदर करो नई इंफॉर्मेशन गैदर करो ये देखो कि दिस इज नॉट दी ओनली बिजनेस इन वर्ल्ड इसके अलावा लाखों और भी हैं तो अपने दिमाग को खोलो देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है बहुत सारे लोग हैं उनकी अलग अलग बुक्स पढ़ो या फिर सीधा बिजनेस पे जंप मत करो पहले ये समझो बिजनेस क्या होता है बिजनेस से रिलेटेड जो और एस्पेक्ट्स हैं उसकी अच्छी बुक्स मिलेंगी उन लोगों की जो फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं और उसमें कोई खर्चा नहीं होगा दो सौ रुपए की पांच सौ रुपए की आपको बुक्स मिल जाएंगी आजकल तो ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर वो आप सुन सकते हो तो आप पहले नॉलेज को गैदर करो पहले बिजनेस को समझो कि बिजनेस होता क्या है तो आपको समझ आएगा बिजनेस दो तरीके से होता है एक है कि आपको अमीर बनाने का सपना दिखा करके कुछ लोग अमीर बनते हैं दूसरा है कि एक्चुअल में लोगों की कोई एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर पैसा कमाया जाता है जिसके लिए जो लोग पैसा देते हैं वो भी खुश होते हैं आपको पैसा मिलता है आप भी खुश होते हो प्लस जिसका प्रोडक्ट सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हो दे आर ऑल्सो हैप्पी यानी कि विन 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 हो गया चारों तरफ से सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका नो ब्रेकर है उससे आपके नो ब्रेकर नहीं तो आप कुछ और समझ करके वहाँ चले जाओगे नहीं सर तो उसमें मतलब जो उसकी आपकी जैसे आप जो कस्टमर है जो आप ना उनसे पेमेंट ले रहे हो तो उसमें आपकी अर्निंग कैसे हो रही है मेरा क्वेश्चन ये है हमने पहले शुरुआत में फ्री किया फिर हमने एक साल के बाद हमने अब पेड हमने प्रीमियम ऑप्शनल प्लान कर लिए कि आपको डिफ़ॉल्ट सर्विस लेनी है तो आप डिफ़ॉल्ट सर्विस ले लीजिए आप आके खुद कॉन्टैक्ट ले लीजिए और फिर हमने एक लिमिट लगा दी है कि नौ कॉन्टैक्ट के बाद फिर अगर आपको और लोगों से बात करनी है तो लेना होगा या आपको एक स्पेसिफ़िक सर्विस चाहिए कि आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर से बात करनी है तो होगा तो हमारा प्लेटफॉर्म एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है फ्री भी है और पेड भी है तो आपको जो सर्विस चाहिए उस हिसाब से लेते हैं और फिर हम लोगों ने उसके बाद हमने पैकर मूवर पेंटिंग क्लीनिंग और सब चीजें शुरू कर दी जिनसे हमें काफी रेवेन्यू आता है तो आई इन प्रॉफिट ना हो या फिर अभी आप लॉसेस में हैं नहीं अभी तो हम लोग नहीं है प्रॉफिट में लेकिन हमारे लॉसेस कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं जितने हम बड़े होते बल्लु जा बल्लु रहे हैं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं हमारा जो रेवेन्यू है ना वी आर री इन्वेस्टिंग बैक द बिजनेस रेवेन्यू कितनी ग्रो कर रही है आपकी टॉपलाइन साल सौ परसेंट हर साल सौ परसेंट से ग्रो कर रहे हैं रेवेन्यू हमारा पहले टू एक्स थ्री एक्स होता था जब हम बहुत छोटे थे अब चूंकि हमारा साइज़ बड़ा हो गया है तो हमारा हंड्रेड परसेंटेज ग्रो होता है और एक्सपेंसेस हमारे कम होते जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि अगले बारह महीने अट्ठारह महीने में बेसिकली हम प्रॉफिटेबल हो जाएँ और वो अब आसान भी है हमारे लिए होना एक तो हमारा फोकस भी उस पर हो गया है और दूसरा ये हमारा साइज इतना बड़ा है कि अब अगर प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो कब होंगे फ़ायदा क्या बिजनेस करने का अब प्लस इसके बारे में आजकल बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है मीडिया में सब जगह पे मतलब पर तो ये कहा जा रहा है कि भाई यूनिकॉन्स पैसा तो उठा रही है हाँ। लेकिन प्रॉफिट दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है पर वो एकदम सही बात है वो तो मतलब प्रॉफिट अगर नहीं है फाइनली प्रॉफिट नहीं हुआ तो फायदा क्या बिजनेस करने का हाँ। जिम्मेदारी भी है ना आपने पैसा लिया है किसी से ऑल रिस्क कैपिटल है आप डुबो दोगे तो भी वो आपको कुछ नहीं बोल सकते बट आपने किसी से पैसा लिया है उसने आप पे पैसा इसलिए लगाया है क्योंकि उसको दो गुना तीन गुना चार गुना मिलेगा तो आपकी जवाबदारी है कि उस पैसे को कभी ना कभी तो वापस करना है तो अब हमें हो गए हैं सात आठ साल नौ साल करते हुए अगले डेढ़ दो साल में हम भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे आपके सर एक्सपीरियंसेस ने जो आपने स्टोरीज बताई सुन के बड़ी अच्छी लग रही है और वो सिंपल वे में एक्सप्लेन करी न मैं मिस्टेक्स जानना चाहूँगी कि आपने जब स्टार्ट करा तब बहुत सारे लोगों ने आपको डिमोटिवेट करा कि नहीं चलेगा तो कुछ ऐसी गलतियाँ भी हुई होंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं और हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि गलतियाँ सिर्फ जो आपके स्टैंड पॉइंट से वो नहीं बट उस गलती से आपने क्या सीखा या फिर वो औरों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है इन द सेंस आपने जो सबसे बड़ी गलतियां करी अपने बिजनेस में उसके पीछे रीज़न क्या था और उससे आपने क्या सीखा और उससे आप क्या शेयर कर सकते हैं और लोगों को कि ये गलती नहीं करनी है थैंकफुली हमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी ना हमने कॉम्पिटिशन को कॉपी किया ना हमने पैसे जलाए आ, हम धीरे धीरे बेसिकली सर्वाइव करते रहे लॉन्ग टर्म में तो इस वाले कट थ्रोट में अगर वो बड़ी गलती करते तो फिर हम लोग शायद मुश्किल हो जाता सर्वाइव करना क्योंकि हमें फंडिंग ही नहीं मिल रही थी इस पहली फंडिंग के बाद भी हमें अगले पाँच साल तक इंडिया में किसी ने फंडिंग नहीं दी मैं बस ये बोलूँगा जो चीज़ें हमने गलत करी अब हाइंड साइड में वो मुझे लगता है वो एच और फाइनेंस में थी चूँकि हम पहले फर्स्ट जनरशन ऑन्ट्रप्रनर थे तो हमें पता नहीं था कि एच और फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है तो मैं और अकेले हम लोग ये ऑफर लेटर बना के पीडीएफ में व डॉक्यूमेंट पीडीएफ करके ईमेल करते थे तो ये हमें लेकिन थैंकफुली हमने जल्दी रियलाइज़ कर दिया कि एक अच्छा एच आर अच्छा, अच्छा फाइनेंस बहुत ज़रूरी है जो कि आपको करना है तुरंत इन ओवरऑल टू आंसर योर क्वेश्चन आप कंटिन्यूसली पता करते रहिए गलती क्या हो सकती है और तुरंत करेक्ट कर लीजिए उसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शुरुआत में हमें सोचा कि लोगों के लिए तो ब्रोकरेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन जब हमने दस कस्टमर से पूछा तो उन्होंने हमें बोला कि रेंटल एग्रीमेंट कौन कराएगा तो मैं लगा रेंटल एग्रीमेंट तो लोग गूगल से वो फॉर्म लेके पीडीएफ लेके वो प्रिंट आउट लेके स्टैम पेपर कर देते हैं लेकिन कस्टमर ने बोला नहीं ऐसा नहीं है वो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोकर कराता है वो काम तो आप कराओगे कि नहीं तो लगा हमसे कि ये गलती हमसे होने वाली है तो हमने तुरंत चेंज किया और रेंटल एग्रीमेंट भी हमने एक डिपार्टमेंट खोला और आज तक हम रेंटल एग्रीमेंट बहुत अच्छे से और उसमें विटनेस भी होते हैं हा विटनेस भी होते हैं इसमें ना एक चीज़ और ये है कि गलती में बहुत ज़्यादा आता है ना तो वो भी एक वगैरह सब चीज़ खुद कर लें सब चीज़ जब खुद करने लगते हैं तो अपने पास तो चौबीस घंटे ही हैं चौबीस घंटे में छः घंटे तो सो आपके बच्चे अट्ठारह घंटे कितना कर लोगे अट्ठारह घंटे में एट आफ्टर अ अवाइल यू विल स्टार्ट वर्निंग योर सेल्फ मतलब मैं अमित सौरभ सब कुछ मैं ही कर लूँगा तो मैं मेरी तरफ से गलती ये होती थी कि कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनानी है तो मैं खुद बनाऊँगा टीम को हाँ ठीक है यार मैं बता दूंगा तुम्हें कैसे बनाना है क्योंकि ये लगता है ना कि यार मैं करूँगा तो शायद सात दिन में हो जाएगा टीम करेगी तो इसमें इक्कीस दिन लगेंगे तो ये काफ़ी टाइम बाइज रियलाइज हुआ तो अब जो मैं करता हूँ अब टिपिकली एवरीबडी डज दैट कि यह है कि यार आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो आपके जैसे काम करने वाला होता है तो आप ट्रेन करो अपने जैसे तो अगर मैंने चार अखिल और बना लिया और उन्होंने अपने जैसे चार और लोग बना दिए उन्होंने अपने जैसे चार लोग बना दिए तो एक की जगह मल्टीप्लाई हो गया ये मतलब इतने सारे अखिल हो गए इतने सारे अमित हो गए इतने सारे सौरभ हो गए जो वही काम उसी शिद्दत से उसी मेहनत से कर रहे हैं तो रिलाइंग ऑन द टीम लोगों को अपने साथ जोड़ना उन पर भरोसा करके उनको क्रिटिकल प्रॉब्लम देना और फेल होने देना कि ठीक है यार एक गलती कर लोगे कर लो गलती बट ये गलती वापस मत करना रिपीट अ मिस्टेक इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल मेक अ मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम इट एंड मूव पर ये बात भी है कि जितना टीम अच्छी होती जाती है ना आपकी वो भी फिर आपकी गलती जल्दी पॉइंट कर लेती है तो अब हालांकि मैं अखिल सौरभ यहाँ हम लोग अपनी बात कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल ट्रुथ ये है कि नाइनटी सक्सेस का क्रेडिट टीम को ही जाता है टेज काम भी टीम ने किया है तो यह भी एक तरीका है जल्दी गलती पकड़ने का और सॉल्व करने का कि आपकी टीम अगर अच्छी है और उसको आप इतना साहस दो कि वो आपके आपकी बुराई कर सके तो आप जल्दी पकड़ लोगे गलती क्योंकि आप नहीं पड़ोगे और पकड़ लेगा पर जल्दी हम सॉल्व भी कर लेंगे मतलब अपने आस पास में येस मैन इकट्ठे मत करो हाँ। और सबके पास में फ्रीडम हो बोलने की बताने की करेक्ट ताकि जैसे ही गलती हो इमीजिएटली पकड़ने आ जाए थैंक यू सो मच सर यहां पर